तुरंत जाकर अपने गायनिक से इसका इलाज करवाएं। आजकल इसका सफलतापूर्वक इलाज संभव है। हम हर उम्र में इसका इलाज कराना चाहिए एंडोमेट्रियल कैंसर का। मैं डॉक्टर उषा शर्मा पटना में ऑब्स गायनी कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपको पीसीओडी के बारे में कुछ जनरल जानकारी देने जा रही हूँ। यह औरतों में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। टीन एज से लेकर 40 से 45 साल की औरतों को हो सकता है। इसकी संभावना मोटी औरतों में ज्यादा होता है, पर दुबले लोगों को भी हो सकता है। पीसीओडी का कारण क्या है? यह वंशागत नहीं होता। इसके अनेक कारण हैं और जिसमें है आरामदायक जिंदगी, एक्सरसाइज की कमी, स्ट्रेस, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट वाला खाना जैसे कि जंक फूड, स्ट्रेस इत्यादि। पीसीओडी के मुख्य लक्षण जो होते हैं उसमें सबसे पहला है अनियमित मासिक का होना, दूसरा है लंबे समय तक मासिक का रुक जाना, वजन बढ़ना, चेहरे और बदन पर बालों का उगना, इनफर्टिलिटी यानी बच्चा ठहरने में दिक्कत होना। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दें तो बिना विलंब तुरंत जाकर अपने गायनिक से इसका इलाज करवाएं। आजकल इसका सफलतापूर्वक इलाज संभव है। हम हर उम्र में इसका इलाज कराना चाहिए एंडोमेट्रियल कैंसर का संभावना कैंसर की संभावना हो सकती है। इससे बचाव का उपाय क्या है? संतुलित भोजन जिसमें खास तौर से चावल, चीनी और आलू की मात्रा कम होनी चाहिए ताकि बॉडी को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और कम प्रोटीन ना मिले। हरी सब्जी खाएं, फल खाएं, प्रोटीन रिच फूड्स होते हैं दूध, दाल, मछली, अंडा और चिकन। लाइफस्टाइल चेंजेस लाना होगा ताकि जो है सो वजन ज़्यादा ना बढ़े। आजकल इस कंप्यूटर एज में हर कोई काफ़ी समय कंप्यूटर पर बिताता है, तो ऐसे हालत में सबसे अच्छा है जहाँ आप ऑफिस जॉब में एम्प्लॉयड हैं तो मिनिमम 20 मिनट एक्सरसाइज डेली ज़रूर करें। और यह ऑफिस जॉब वालों के लिए ही नहीं, सबों के लिए लाभकारी है कि वो नियमित एक्सरसाइज करें। स्ट्रेस से बचना, खासतौर से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचने के लिए आदमी को योगा, मेडिटेशन, बहुत सारे उपाय हैं जो कि दिनचर्या शुरू करने के पहले आदमी कर सकता है। और इन सब उपायों को करने से आप पीसीओडी जैसी बीमारी से बच सकते हैं।